हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मैं स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड फ्रेंड, जैसे कि मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ म्यूचुअल फंड के ऊपर, मैं बेसिकली अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस टाइप के फंड्स होते हैं, सो दैट कि आपके पास इंफॉर्मेशन रहे प्रॉपर कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, आप कितना रिस्क और रिवॉर्ड ले सकते हैं। तो अगर आप ये सीरीज़ देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी लर्निंग होगी। इवन मैं वेबसाइट के ऊपर भी लेकर के आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ सके। सो फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू हैव एनी कंसर्न रिगार्डिंग माई वीडियोज, इफ यू फाइंड एनी क्वेरी रिलेटेड, यू कैन पुट दिस थिंग इन द कमेंट। आप कमेंट में लिख सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी है, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर ऑल क्वेरी। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली स्मॉल कैप इक्विटी फंड क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है। डेफिनेशन क्या है, स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड आर कंसिडर्ड एज रिस्कियर फंड, बट एट द सेम टाइम दिस फंड हैव द पोटेंशियल टू जनरेट मोर मनी देन लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इन्वेस्ट देयर मनी इन कंपनी दैट रैंक अबव 250 इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। फ्रेंड, तो मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इस फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो ऑब्वियसली ये जो फंड है रिस्कियर है, किससे ज़्यादा, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा और आपका मिड कैप म्यूचुअल फंड के ज़्यादा। बट एट द सेम टाइम ये आपको ज़्यादा रिटर्न देने का भी पोटेंशियल रखता है। एंड ये जो आपके पैसे लगते हैं, कंपनी की जो रैंकिंग होती है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो मोर देन 250 कंपनी आती है उसके बाद सारी वो आपकी स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में वो कवर अप होती हैं फ्रेंड्स। एंड तो चलिए मैं आपको वेबसाइट पे ले करके चलता हूँ और इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और समझने की कोशिश करते हैं साथ में। बट फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये फिर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। दिस इज़ नॉट फॉर एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस, नॉट डायरेक्टली, नॉट इम्प्लाइड, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो चलिए हम सीखते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर आ गया फ्रेंड्स मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। अब मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है स्मॉल कैप फंड, ठीक है। ये मैं कहाँ से गया, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आओगे, म्यूचुअल फंड में आओगे, परफॉर्मेंस ट्रैकर में आओगे तो फिर फ्रेंड्स ये सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। इक्विटी मिलेगा, हाइब्रिड मिलेगा, डेप्ट मिलेगा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, अदर्स। आपको सेलेक्ट करना है स्मॉल कैप पे। तो जैसे ही आप स्मॉल कैप पे किए, स्मॉल कैप की जितने भी डेटाबेस हैं आपके पास सब ओपन होकर के आ जाएगा। आई मीन जिन जिन कंपनियों ने प्रोवाइड कर रखा है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम्स, वो सब ओपन हो जाएंगी फ्रेंड्स। अब आपको लर्निंग करने की क्यों ज़रूरत है फ्रेंड्स, कि आपको क्यों निवेश करना चाहिए एंड आपको उसमें निवेश करने से, देखिए आप देख रहे हैं कि ये जो फंड है इसमें 46.38 की पोटेंशियल इसने दिया है एक साल में, बट यहाँ पे ये तीन मंथ में 2.52 का निगेटिव भी दिया है। आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए फ्रेंड्स, आप कोई भी इन्वेस्टिंग करते हैं तो। अभी देखिए ईयर टू टिल डेट में जाएंगे तो कुछ फंड्स ने अभी तक निगेटिव दिया है, बट एट द सेम टाइम इसमें क्या होता है, आप अगर होल ईयर 5 साल में जाएंगे, 3 साल में जाएंगे तो ऑब्वियसली पैसे बन रहे हैं आपके फ्रेंड्स, नो डाउट। एंड सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे कंपाउंडिंग के थ्रू बनती है। फॉर एग्जाम्पल आपने लेट से कि 1000 रुपीज़ का इन्वेस्ट किया एंड वो 1000 आपका 1001 हो चुका है। नाउ अगले दिन अगर आपकी अब जो आगे बढ़ेगी मनी 1001 के हिसाब से बनेगी, नॉट ना कि वो 1000 से बढ़ेगी। सो कंपाउंडिंग एक अलग पूरा एक टेक्निक है जिसको अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है और ये टेक्निक ही आपको बहुत पैसे देने की क्षमता रखता है फ्रेंड। तो अगर आप इस टेक्निक का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए आपको यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, आपको इन्वेस्टमेंट जानना ज़रूरी है और कैसे आप इन्वेस्टिंग करते हो इसके लिए जानना ज़रूरी है। तो देखिए कितनी सारी स्कीम्स होती हैं।
अब चलिए किसी भी, लेट से कि मैं किसी पे भी सेलेक्ट करता हूँ, लेट से कि मैं ये सेलेक्ट करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं इससे ये समझने की कोशिश करेंगे हम कि ये जो पैसे हैं ये कहाँ कहाँ लगाते हैं फ्रेंड। तो आप देखिए, जैसे कि मैंने एक क्लिक किया, सॉरी दिस इज ये माइक्रो कैप, ओके ठीक है, माइक्रो कैप बता रहा है ये बता रहा है, ये देखिए ये इसकी चार्ट है, सुंदरम की चार्ट है जो कि इसके ऊपर से जा रही है। किसकी जा रही है? ये स्मॉल एंड कैप BSE से ऊपर जा रही है। तो ये बोल रहा है कि अगर आप इस स्कीम में लगाते तो आप इस स्मॉल कैप से ज़्यादा रिटर्न देता है पोटेंशियल। तो सेम आप अगर इसमें नीचे भी देखोगे तो आपको दिख जाएगा एक साल में इतना दिया दिया, ये दिस दिस दिस। इट जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज़ आई एम ट्राइंग टू से यू दैट आप ये देखिए इक्विटी होल्डिंग, अब आप देखिए कि इसमें से सबसे ज़्यादा जो है आपके पैसे कहाँ लग रहे हैं, 6.125% आपका इसी में ही लग रहा है फ्रेंड्स। तो बेसिकली हाउ दिस वर्क्स इस ऑल कैप फंड्स, इसके अलावा और भी फंड्स हैं, मैं थोड़े से एक दो बार और दूसरे को भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बार इसको ओपन करते हैं एंड इससे समझते हैं। अब आप यहाँ पे आएंगे तो सेम अगेन इसकी चार्ट आपको बता रही होगी कि आप अगर यहाँ पे निवेश करते तो ज़्यादा जाता। यहाँ देखिए अगर इससे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, और ये ट्रैकर होता है फ्रेंड्स, ये बेसिकली इसका ट्रैकर होता है कि हर फंड का एक ट्रैकर बनाया जाता है कि वो इनका ट्रैकर हुआ, बेस लाइन होता है। तो अब इसका भी इधर रिटर्न दे रखा है, देन आपका ये बता रखा है कि SIP के थ्रू करते तो इतने आपके रिटर्न्स होते हैं। अब नीचे आते हैं, अब आप देखिए बेसिकली मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि ये देखिए किन किन टाइप की कंपनी में पैसे लगाते हैं। VIP इंडस्ट्री, परसिस्टेंट टीम लीज सर्विसेज, क्राफ्ट्समैन ऑटो, मिशंस, ओरिएंट इलेक्ट्रिक। तो इसी इस तरीके के से पैसे इसको डाइवर्सिफाई किया जाता है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप डिटेल एनालिसिस भी कर सकते हो, मतलब डिटेल आप पोर्टफोलियो देख पाओगे, पहले से ज़्यादा ऊपर ओपन हो जाएंगी ये, आपको थोड़ी बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि और किसमें इन्होंने लगा रखा है। व्यू कंप्लीट होल्डिंग आप ये देख सकते हो। तो ये फर्दर ये आपको मालूम होना चाहिए कि स्मॉल कैप फंड क्या होता है। आप कोई भी निवेश, कोई भी फंड चूज करो, एंड यस आप खुद से डायरेक्टली खुद से चूज कर रहे हो फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि आप लाइक थर्ड पार्टी के थ्रू जा रहे हो। नाउ अब आपके पास डिस्काउंट ब्रोकर हैं जिसमें खुद से ही आप अपने सारे फंड, सारे इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकते हैं, एंड इवन आप लिक्विड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपके पास अकाउंट है पहले से तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं है आपके पास देन आप ओपन कर सकते हो, और उसके लिए जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हो, एंड इट्स वेरी इजी प्रोसेस। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको कोई दिक्कत भी आए तो उनके कस्टमर केयर भी हैं, वो फ़ोन नंबर अवेलेबल है, आप उस पर कॉल कर सकते हो एंड वो आपको हेल्प कर देंगे अकाउंट ओपनिंग में। सेकेंड थिंग, मैं अपनी लिंक डाल दूंगा जीरोधा की जिससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड आप भी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरुआत कर सकते हो फ्रेंड। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ व्यूक भी रिकमेंड करे हुए हैं अपने कमेंट में, सो दैट कि यू कैन गेट, मैंने सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स ही रिकमेंड किए हुए हैं, एंड आई हैव रीड माई सेल्फ दिस बुक एंड दिस बुक हैव वर्क वेरी गुड फॉर मी। आई गॉट टू नो हाउ फाइनेंशियल थिंग्स वर्क्स, आपको एक एक्सपोजर मिलता है फाइनेंशियल सर्विसेज का, आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने फंड को। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसी पे था स्मॉल कैप फंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, एंड कोई भी आपको सवाल है या कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट में लिख दीजिए, मैं हैप्पली आंसर करूँगा। थैंक्स फॉर कमिंग एट माई वीडियो, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।